शारदा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ रहे होंगे और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे होंगे और साथ साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। चलिए हम आगे आज हम लोग पढ़ते हैं इसमें इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ बायोलॉजी। इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, जो कि ये क्वेश्चन कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है और जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें से एनाटॉमी, एनाटॉमी यानी क्वेश्चन होगा कि विज्ञान की किस शाखा में शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। यानी क्वेश्चन होगा कि विज्ञान के किस शाखा में हम शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो स्टडी ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप, इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी क्वेश्चन मेरा क्या था कि विज्ञान की किस शाखा में शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो एनाटॉमी कहलाता है। अगला है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी MORPHOLOGY, मॉर्फोलॉजी। यानी मॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग इसमें देखते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी जीवों के बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और पहला था कि जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एनाटॉमी कहलाता है। अगला इसके बाद एग्रास्टोलॉजी, एग्रास्टोलॉजी, एग्रास्टोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रास, स्टडी ऑफ ग्रास यानी घासों के अध्ययन को एग्रास्टोलॉजी कहते हैं। और इसमें ऑर्गेनिज्म के बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। और अगला इसमें इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। अगला लिखते हैं फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में हम लोग एल्गी का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन इसी में पूछा जा सकता है कि भारतीय शैवाल के जनक किसे कहते हैं, तो आगे हम लोग ले लेते हैं इंडियन, इंडियन, इंडियन एल्गोलॉजिस्ट, एल्गोलॉजिस्ट, इंडियन एल्गोलॉजिस्ट MOP आयंगर, यानी भारतीय शैवाल के जनक MOP आयंगर कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का माइकोलॉजी, MYCOLOGY, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम स्टडी ऑफ फंजाई का अध्ययन करते हैं,
यानी कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। एक बार फिर से इसको देखिए, इसमें एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी यानी इंडियन एल्गोलॉजिस्ट कौन है? यम ओपी आयंगर, यानी यम ओपी आयंगर भारतीय शैवाल के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा आस्टियोलॉजी, OESTEO LOGY, आस्टियोलॉजी। आस्टियोलॉजी में हम लोग बोन का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को आस्टियोलॉजी कहते हैं। अगला हिमाटोलॉजी, HEMATOLOGY, हिमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के अध्ययन को हिमाटोलॉजी कहते हैं। और सभी को पता है कि हिमाटोलॉजी यानी जो हीमोग्लोबिन, आप जानते हैं कि ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ ब्लड, हम लोग बात करते हैं कि कंपोनेंट कितने होते हैं ब्लड के, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, यानी ब्लड के चार कंपोनेंट होते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे इसमें प्लाज्मा, और दूसरा है RBC, और तीसरा इसमें है WBC, और चौथा इसका है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लाज्मा हमारे शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है। तो प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% पाया जाता है, यानी 55%। और जो आरबीसी है, आरबीसी हमारे शरीर में 44% पाया जाता है। और WBC और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो हमारे शरीर में 1% पाया जाता है, यानी टोटल जोड़ा जाए तो 55 और एक 56, 56 और 4 60, 60 और 40 100, यानी टोटल 100 कंप्लीट हो जाता है। और यह भी सभी को पता होगा कि जो WBC होता है ये मेल और फीमेल दोनों में सेम सिचुएशन में होता है, यानी मेल और फीमेल में बराबर मात्रा में पाए जाते हैं। और हमारे शरीर में आरबीसी 4 से 5, यानी 5 से 6% पाया जाता है, यानी 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर आरबीसी पाया जाता है। और आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं, यानी इट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, इट इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन, हीमो HEMOGLOBIN, हीमोग्लोबिन। सभी को पता है हीमोग्लोबिन वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, हीमोग्लोबिन दो सबसे मिलकर के बने हैं, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीमो का मीन्स होता है आयरन, यानी हीमो का मीन्स होता है आयरन, और ग्लोबिलिन यानी जिसका मीन्स होता है ग्लोबिलिन, इसको बोलते हैं प्रोटीन। यानी हीमोग्लोबिन दो सबसे मिलकर के बने हैं, हीमो प्लस ग्लोबिन, यानी हीमो का मीन्स होता है आयरन और ग्लोबिन का मीन्स होता है प्रोटीन। आगे इसमें हम लोग बात करते हैं इसके आगे आगे अगला है कार्डियोलॉजी, CARDIOLOGY, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में स्कल का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ स्कल, स्कल का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, यानी विज्ञान की किस शाखा में स्कल का अध्ययन किया जाता है तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट इसमें आता है एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी यानी एंजियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। लिखेंगे आगे हम लोग स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम,
यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट मेरा टीथ, टीथ का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओडेंटोलॉजी, यानी विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है, तो दांत का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। और इसको साथ साथ हम लोग नोट्स बनाते रहेंगे और इसको तैयार भी करते रहेंगे। ओडेंटोलॉजी, ओ डी ई एन टी ओ एल ओ जी वाई, ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम, यानी टीथ का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाता है। आगे हम इसको एक चक्कर फिर से रिपीट करा देते हैं और इसको आप ज्यादा से ज्यादा याद करने का प्रयास करिए और नोट्स को भी साथ साथ बनाने का प्रयास करिए। सबसे पहले लिखा क्या गया था, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, यानी बॉडी के आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। यानी कहेंगे क्या कि जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीवों के आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। अगला है मेरा मॉर्फोलॉजी, यानी इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जीवों के बाह्य संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आगे इसमें लिखा गया है कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों के बाह्य संरचना का अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट मेरा था एग्रास्ट्रोलॉजी, तो एग्रास्ट्रोलॉजी यानी इसमें घासों का अध्ययन करते हैं, यानी घास फूस का अध्ययन एग्रास्ट्रोलॉजी कहलाता है। अगला है फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी में हम एल्गी का अध्ययन करते हैं, यानी पूछा जाएगा कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवालों के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी भी कहते हैं। आगे मेरा क्या है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में एल्गी का अध्ययन करते हैं, तो एल्गी के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी और इसी को एल्गोलॉजी भी कहते हैं। और एल्गोलॉजी यानी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कभी कभी कंप्लीट वगैरह में कि एल्गोलॉजी यानी भारतीय कवक या कहेंगे भारतीय शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भारतीय शैवाल के जनक को क्या कहते हैं, तो भारतीय शैवाल के जनक एमओपी आयंगर है, यानी एमओपी आयंगर इंडियन एग्रोलॉजी यानी एल्गोलॉजिस्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा था इसमें कि माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी यानी माइकोलॉजी में फंजाई का अध्ययन करते हैं। और विज्ञान की किस शाखा में अस्थियों का अध्ययन करते हैं, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला है हीमेटोलॉजी, यानी विज्ञान की किस शाखा में ब्लड का अध्ययन करते हैं, यानी हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगला मेरा क्या है इसमें हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी यानी हीमेटोलॉजी में हम लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं, यानी क्वेश्चन कैसे होगा स्टडी ऑफ ब्लड स्कॉल, जैसे हम बोलेंगे हीमेटोलॉजी। अगला है स्कल, यानी इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं खोपड़ी, तो खोपड़ी के अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं। अगला आता है इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को हम लोग एंजियोलॉजी कहते हैं, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो एंजियोलॉजी कहलाता है, यानी एंजियोलॉजी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन करते हैं। अगला है ओडेंटोलॉजी, इसमें हम टीथ और गम, यानी अगला है स्टडी ऑफ टीथ, यानी दांत के अध्ययन को क्या कहते हैं ओडेंटोलॉजी, यानी ओडेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं टीथ और गम का। इसके आगे अगला नोट करते हैं इसे। अगला इसमें हम लोग पढ़ते हैं इक्थियोलॉजी, ICHTHIO इक्थियोलॉजी, लॉजी इक्थियोलॉजी में फिश का अध्ययन करते हैं, यानी मछलियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है इक्थियोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ फिश, मछलियों के अध्ययन को इक्थियोलॉजी बोलते हैं, यानी इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं मछलियों का। अगला है सौरोलॉजी, SAURO
LOGY, इसमें लिजार्ड का अध्ययन करते हैं। छिपकली के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ लिजार्ड, LIZARD, लिजार्ड। लिजार्ड में किस, यानी लिजार्ड के अध्ययन को क्या कहते हैं, सोरोलॉजी। अगला है सरपेंटोलॉजी, SERPENTOLOGY। सरपेंटोलॉजी में हम लोग स्नेक बाइट्स का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ स्नेक आर कॉल्ड सरपेंटोलॉजी। अगला, इसके बाद में हम लोग अगला पढ़ते हैं, इसमें पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में स्टडी ऑफ फ्रूट्स, FRUITS, यानी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। अगला है फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी बोलते हैं। अगला है एंजियोलॉजी या पोमोलॉजी। अगला है इसमें एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम लोग स्टडी ऑफ फ्लावर, FLOWER, फ्लावर एंड फ्लॉरिंग प्लांट का अध्ययन करते हैं। FLOWER, फ्लावर एंड फ्लॉरिंग प्लांट का अध्ययन करते हैं। अगला है इसके बाद, अगला है इसमें एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फ्लावर और फ्लॉरिंग प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। और इसके बाद में अगला आता है हमारा एंजियोलॉजी, तो हो चुका था। अगला इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं एंड्रोलॉजी, ANDRO, LOGY, एंड्रोलॉजी। यानी इसमें हम लोग स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अध्ययन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। अगला है गाइनेकोलॉजी, GYNECOLOGY, गाइनेकोलॉजी। यानी इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अध्ययन को हम गाइनेकोलॉजी बोलते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, गाइनेकोलॉजी। अगला आता है साइटोलॉजी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सेल का, यानी स्टडी ऑफ सेल, यानी विज्ञान की किस शाखा में कोशिका का अध्ययन करते हैं, तो साइटोलॉजी। अगला आता है साइटोलॉजी। अगला है टिश्यू। टिश्यू के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी, यानी हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, यानी ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। टिश्यू के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अगला है ब्रायोलॉजी, BRYOLOGY, ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में हम लोग ब्रायोफाइट्स प्लांट का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, BRYOPHYTES। फाइट्स का मीन्स होता है प्लांट, यानी कहीं भी फाइट्स आता है तो इसका मीन होता है प्लांट। अगला है टेरिडोलॉजी, PTERIDOLOGY, टेरिडोलॉजी। टेरिडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, टेरिडोफाइट्स प्लांट का, यानी स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, PTERIDOLO, टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स, PHYTES। तो फाइट्स शब्द कहीं भी मिलता है यानी प्लांट से। अगला है एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी। तो यहाँ एंजियोलॉजी का मीन्स होता है कि यानी स्टडी ऑफ एंजियोलॉजी,
इस पर एनजीओ इस पर यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अध्ययन को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसमें फ्लावर फ्रूट्स सीड रूट स्टेम लीफ पाए जाते हैं, उसको हम लोग एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। अगला आता है इसी में जिम्नोस्पर यानी जिम्नोलॉजी जी वाई एम एन ओ एल ओ जी वाई जिम्नोलॉजी। जिम्नोलॉजी में हम लोग जिम्नोस्पर्मिक प्लांट का अध्ययन करते हैं यानी इसमें साइकोस्पाइनस आता है यानी स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म जी वाई एम एन ओ एस पी ई आर एम यानी जिम्नोस्पर्म। नाम से इसके निकलता है कि जिम्नो का मीन्स होता है नेक्ड एन ए सी के डी नेक्ड नेक्ड का मीन्स होता है नग और स्पर्म का मीन्स होता है सीड से सीड यानी बीज यानी इसमें जो बीज बनते होते हैं यानी बनते हैं वो नेक्ड होते हैं। तो एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन था फिश यानी मछलियों के अध्ययन को हम इक्थियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विज्ञान की किस शाखा में फिश का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे इक्थियोलॉजी यानी इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अगला है क्वेश्चन लिजार्ड जो छिपकलियां होती हैं जो कि इन्हें रेप्टाइल्स वर्ग में रखा गया है यानी रेप्टाइल्स में रखा गया है, रेप्टाइल्स के अध्ययन को भी आर्किटोलॉजी बोलते हैं। तो रेप्टाइल्स वर्ग के जो आते हैं यानी इसमें लिजार्ड है तो लिजार्ड के अध्ययन को हम लोग सौरोलॉजी बोलते हैं एस ए यू आर ओ एल ओ जी वाई। अगला है स्नेक यानी सर्पों के अध्ययन को हम लोग सर्पेंटोलॉजी कहते हैं यानी विज्ञान की किस शाखा में स्नेक का अध्ययन किया जाता है, तो हम लोग बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी। अगला है फ्रूट्स यानी फलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, तो फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं यानी विज्ञान की किस शाखा में फ्रूट्स का अध्ययन किया जाता है, तो पोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन टाइप बनते हैं जो कि हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट टर्म कह के ही से इंपॉर्टेंट बायोलॉजी हम लोग रख के इसको तैयार करेंगे जिससे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर अनदर एग्जाम हो उसमें आता रहता। अगला है फ्रूट्स तो फ्रूट्स के अध्ययन को हम पोमोलॉजी और फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं यानी विज्ञान की किस शाखा में फ्लावर यानी फूलों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। अगला है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी विज्ञान की किस शाखा में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग एंड्रोलॉजी बोलते हैं यानी एंड्रोलॉजी में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अध्ययन किसमें करते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं गायनेकोलॉजी यानी गायनेकोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन होगा कि स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर कॉल्ड गायनेकोलॉजी। अगला है सेल, सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है और सेल के जो फादर हैं सभी को पता होगा रॉबर्ट हुक यानी रॉबर्ट हुक ने इस चीज की खोज की थी। तो सेल यानी सेल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी यानी विज्ञान की किस शाखा में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं साइटोलॉजी। अगला है टिश्यू, टिश्यू मीन्स होता है ऊतक, ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं और हिस्टोलॉजी के जनक बाइचेट जिसको कहते हैं हिंदी में लिखा रहता है बिकॉट बी आई सी एच ए टी यानी इसके जो फादर्स हैं बिकॉट। दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू की खोज निगेली ने की थी और एनिमल टिश्यू की खोज बिकॉट ने की थी। तो हमसे क्वेश्चन क्या है कि टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है ब्रायोफाइट्स, यहां से यहां तक के प्लांट्स के बारे में स्टडी किया गया है, प्लांट भी मेनी टाइप्स होते हैं। यहां हमने बताया कि ब्रायोफाइट्स यानी ब्रायोफाइट्स प्लांट का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है और आगे हम लोग इसमें पढ़े भी होंगे कि जो ब्रायोफाइटा दिया रहता है यानी ब्रायोफाइटा भी टू वर्ड से मिलकर बने होते हैं ब्रायो प्लस फाइटा PHYTA। तो ब्रायो का जो मीन्स होता है होता मास MOSS और मास का जो मीन्स होता है ग्रुप और ग्रुप का जो हिंदी निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं समूह। तो इतनी बात समझ में आ रही होगी। फाइटा जो शब्द है फाइटा ये ग्रीक वर्ड का फाइटॉन शब्द है PHYTON फाइटॉन और फाइटॉन का मीन्स होता है प्लांट और प्लांट का मीन्स होता है पौधा। यानी क्वेश्चन कोई करता है कि पौधा
कितने भागों में डिवाइड है, यानी प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, हर्ब्स, सर्व्स एंड ट्री। कोई प्लांट है तो प्लांट कितने भागों में डिवाइड होता है, थ्री। यानी क्वेश्चन कोई भी पूछता है कि प्लांट कितने भागों में डिवाइड होता है तो थ्री, हम लोग बताएंगे हर्ब, सर्व और ट्री। यानी प्लांट्स के अध्ययन को बताया गया, इसको फना बोला जाता है, और एनिमल के अध्ययन को फ्लोरा बोला जाता है। तो प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। यानी प्लांट जो है ये तीन भागों में डिवाइड है। पहला बताया गया हर्ब्स, HERBS, और दूसरा बताया गया सर्व, SHERBS, और तीसरा आता है ट्री। यानी प्लांट तीन भागों में डिवाइड होता है। तो जनरली याद रखने वाली चीज है हर्ब्स, सर्व और ट्री। ये रहा बात प्लांट। आगे यदि कोई पूछता है कि एनिमल कितने भागों में डिवाइड है, तो एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। यानी एनिमल का जो बॉडी है ये तीन भागों में डिवाइड है, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला हेड, दूसरा थोरेक्स, और तीसरा एब्डोमेन। यानी प्लांट का जो बॉडी है ये तीन भागों में डिवाइड, हेड, थोरेक्स और डोमेन, यानी एब्डोमेन। अगला इसके बाद आता है मेरा हिस्टोलॉजी। तो इसके सीक्वेंस में, यानी टिश्यू के सीक्वेंस में आपको बताया गया होगा कि टिश्यू क्या है या फिर सेल क्या है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए फिर से इसमें इसके सीक्वेंस को भी बताया गया होगा कि कैसे इसको हम लोग तैयार करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सेल क्या है, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट आर कॉल्ड सेल। यानी सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। यानी इसमें कहेंगे कि कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द सेल, यानी सेल क्या है, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, फादर ऑफ सेल रॉबर्ट हुक इन 1665। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि हु वाज डिस्कवर्ड बाय सेल, रॉबर्ट हुक इन 1665। तो इसके सीक्वेंस को हम लोग एक चक्कर फिर से देख लेते हैं कि सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यानी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, और ऊतक के समूह को हम आर्गन कहते हैं, और आर्गन के समूह को हम आर्गन सिस्टम कहते हैं, यानी आर्गन सिस्टम बोलते हैं। और आर्गन सिस्टम के समूह यानी ग्रुप को हम बॉडी बोलते हैं। यानी इसका एक सीक्वेंस तैयार करने का, कैसे हम लोग इसको सीखें, यानी ग्रुप ऑफ सेल, यानी सेल के समूह को टिश्यू, और ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड आर्गन, ग्रुप ऑफ आर्गन इज कॉल्ड आर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ आर्गन सिस्टम इज कॉल्ड बॉडी। तो मेरा ये तैयार। दूसरा था यानी टिश्यू के बारे में कोई पूछता है तो हम लोग बताएंगे कि ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच सेल आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन एंड वर्जिन आर कॉल्ड टिश्यू, फादर ऑफ टिश्यू बिकॉज। इसमें हम लोग पढ़ लिए कि टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं, और सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं, और टिश्यू के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। यानी विज्ञान की किस शाखा में टिश्यू का अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी, और विज्ञान की किस शाखा में सेल का अध्ययन करते हैं, साइटोलॉजी। बाद आता है आर्गन का, तो ग्रुप ऑफ आर्गन इज कॉल्ड आर्गन सिस्टम, यानी आर्गन यानी अंगों के समूह को हम आर्गन सिस्टम बोलते हैं। और जब कई सारे आर्गन मिल जाते हैं तब एक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। आगे इस पर हम लोग बात करते हैं टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट्स
यानी टेरिडोलॉजी, यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विज्ञान की किस शाखा में टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करते हैं, तो टेरिडोफाइट्स के अध्ययन को टेरिडोलॉजी कहा जाता है। अगला आता है एंजियोस्पर्म। तो हमने एंजियोस्पर्म पे बात किया कि एंजियोस्पर्म वह प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर, फ्रूट्स, रूट स्टेम लीफ और फाउंड यानी ये पाए जाते हैं, उसे हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। अगला आता है जिम्नोस्पर्म की बात। तो जिम्नोस्पर्म में आपको बताया गया कि जैसे साइकस और पाइनस होते हैं तो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहलाते हैं। तो जिम्नो का मीन्स होता है नेक्ड और स्पर्म का मीन्स होता है सीड, यानी इसके अध्ययन को हम लोग जिम्नोलॉजी बोलते हैं। चलिए आगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। आगे आप लोग इसका नोट्स तैयार करते रहेंगे, नोट्स तैयार करते रहेंगे, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे तमाम सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं इसमें से, स्पर्मोलॉजी। वहां आ रहा था एंजियोलॉजी या एंजियोस्पर्म, तो यहां हम लोग देखते हैं स्पर्मोलॉजी, SPERMOLOGY, स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी में हम सीड का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ सीड, यानी बीजों के अध्ययन को हम स्पर्मोलॉजी कहते हैं, यानी स्पर्मोलॉजी बीजों के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। अगला आता है इम्ब्रियोलॉजी, EMBRYOLOGY, इम्ब्रियोलॉजी। इम्ब्रियोलॉजी में हम लोग इम्ब्रियो का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ इम्ब्रियो, यानी भ्रूण के अध्ययन को इम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, EMBRYO, इम्ब्रियो। इम्ब्रियो के अध्ययन को इम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट आता है मेरा, यानी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्ब्रियो है क्या या गैमेट्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के टाइम में इसको हम सीखे होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा इसके अंतर्गत कि मेल का गैमेट्स टेस्टिस और फीमेल का गैमेट ओवरी, फीमेल का गैमेट्स ओवरी, OVARY। इसमें आप पढ़े होंगे कि टेस्टिस से जो स्पर्म मिलता है यानी स्पर्म बनता है और ओवरी से ओवम बनते हैं, दोनों के ज्वाइन की प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये भी एक क्रम था, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ZYGOTE, जायगोट। और जायगोट के बाद आपने पढ़ा होगा कि इम्ब्रियो बनते हैं, और इम्ब्रियो के बाद आपको बताया गया होगा कि एक फीटस का फॉर्मेशन होता है, FOETUS। तो यानी क्वेश्चन इसी पे पूछा गया कि इम्ब्रियो का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, यानी विज्ञान की किस शाखा में इम्ब्रियो का अध्ययन करते हैं तो इम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अगला आता है न्यूक्लिक एसिड की बात। तो सभी को पता है कि न्यूक्लिक एसिड है क्या, यानी न्यूक्लिक एसिड क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ टू टाइप, न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग पहला पढ़े होंगे DNA और दूसरा मेरा है RNA। न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो सभी को पता होगा कि जो हमारे कोशिका के कार्यों का नियमन करते हैं, एक जगह फिर से इसको कहा जाता है हिंदी में न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल से जब पूछा जाएगा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि जो हमारे कोशिका के कार्यों का नियमन करता है उसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो सकता है कि विज्ञान की किस शाखा में DNA और RNA का अध्ययन करते हैं, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम DNA और RNA का अध्ययन करते हैं। आगे ले लेते हैं स्टडी ऑफ DNA एंड RNA आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी।
डीएनए एंड आरएनए, यानी डीएनए और आरएनए के अध्ययन को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट आता है कि विज्ञान की किस शाखा में सेल्स का अध्ययन करते हैं, तो इसको बोलते हैं पैडोलॉजी। पैडोलॉजी, PAEDOLOGY। तो पैडोलॉजी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? सॉयल का, यानी स्टडी ऑफ सॉयल्स। सॉयल्स, सॉयल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैडोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है कि जैसे मान लिया फार्माकोलॉजी के अंतर्गत क्या चीज अध्ययन करते हैं, यानी किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। अगला है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ मेडिसिन, स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स, DRUGS, स्टडी ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स। ऐसे कहा जा सकता है कि स्टडी ऑफ प्रिवेंटिंग या ट्रीटिंग मेडिसिन या ड्रग। और सभी को बताया कि ड्रग क्या है और मेडिसिन क्या है। इसमें यह भी बताया गया होगा कि फार्माकोलॉजी के अंतर्गत हम मेडिसिनल या ड्रग्स का अध्ययन करते हैं। फार्मा मीन्स होता ही है, फार्मा का मीन्स होता है ड्रग, और जो कोलॉजी शब्द दिया गया है इसका मीन्स होता है टू नॉलेज, यानी ड्रग के अध्ययन को फार्माकोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे अगला है इकोलॉजी। इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म NISM एंड इन्वायरोनमेंट, यानी इसमें इन्वायरोनमेंट से संबंधित ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हैं तो उसे इकोलॉजी कहते हैं। यानी इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो स्टडी ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म और एन इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट संबंधित इकोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है इथियोलॉजी में, यानी स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट, CAUSATIVE, कॉजेटिव एजेंट AGENT, कॉजेटिव एजेंट का अध्ययन करते हैं। एंड ट्रीटिंग ऑफ ड्रग्स, यानी इसके अंतर्गत, इथियोलॉजी के अंतर्गत हम कॉजेटिव एजेंट का अध्ययन करते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट्स आर कॉल्ड इथियोलॉजी, यानी विज्ञान की किस शाखा में कॉजेटिव एजेंट का अध्ययन करते हैं तो इथियोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट मेरा है इवोल्यूशन, EVOLUTION, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में वर्जिन ऑफ लाइफ के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी जीवन की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन किया जाता है, इवोल्यूशन कहलाता है। यानी स्टडी ऑफ वर्जिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन को हम इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन को हिंदी में जैव विकास कहा जाता है। अगला है इंटोमोलॉजी, यानी इंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीटों का, यानी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, INSECT, कीड़े मकोड़े का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है।
अगला पॉइंट है इसमें फिशरी, FISHERY, फिशरी संबंधित यानी इसके अंतर्गत स्टडी ऑफ कैचिंग यानी पकड़ना, CACHING, कैचिंग, ब्रीडिंग एंड कैचिंग ब्रीडिंग रियरिंग एंड मार्केटिंग, इसका अध्ययन फिशरी कहलाता है यानी मछलियों के पकड़ने संबंधित, यानी इसको पकड़ने के बाद उसका ब्रीड। पहला मेरा है सीड का, तो सीड के अध्ययन को हम लोग स्पर्मोलॉजी कहते हैं, यानी स्पर्मोलॉजी विज्ञान की किस शाखा में स्पर्म का अध्ययन किया जाता है, यानी सीड का अध्ययन किया जाता है, तो इसे हम स्पर्मोलॉजी बोलते हैं। अगला है इम्ब्रियो, तो इम्ब्रियो में बताया गया कि फर्टिलाइजेशन संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम लोग इम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि विज्ञान की किस शाखा में डीएनए और आरएनए का अध्ययन किया जाता है, तो डीएनए और आरएनए के अध्ययन को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। अगला है विज्ञान की किस शाखा में सॉइल्स का अध्ययन करते हैं, तो सॉइल के अध्ययन को हम लोग पैडोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि विज्ञान की किस शाखा में ड्रग और मेडिसिन वगैरह का अध्ययन किया जाता है, तो इसको हम लोग हिंदी में या भैषिक विज्ञान बोलते हैं, लेकिन इसी को कहा जाता है फार्माकोलॉजी या फार्मा का मीन्स आपको बताया गया कि फार्मा जो शब्द है फार्माकोलॉजी, वर्ड आर मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फार्मा प्लस कोलॉजी। फार्मा का मीन्स होता है ड्रग, कोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी और नॉलेज कह सकते हैं, तो इसके अध्ययन को मेडिसिन और ड्रग कहते हैं, यानी मेडिसिन और ड्रग का अध्ययन फार्माकोलॉजी कहते हैं। लेकिन ऐसे भी कहा जा सकता है कि मेडिसिन और ड्रग एक ही नहीं होते, मेडिसिन और ड्रग यानी इसमें जो मेडिसिन होता है वो इनसाइड बॉडी ऑफ एसेंट के रूप में काम करता है, तो यहाँ पे इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि ऑल मेडिसिन आर ड्रग, यानी सभी मेडिसिन ड्रग हो सकते हैं, बट ऑल ड्रग्स आर नॉट मेडिसिन, यानी कहने का मीन्स क्या है कि मेडिसिन ड्रग हो सकते हैं लेकिन सभी ड्रग्स मेडिसिन नहीं होते, क्योंकि ड्रग के अंतर्गत तमाम चीज़ें आते हैं, जैसे मान लिया ओपियम पॉपी हो गया, फिर उसके बाद में कार्डामोम हो गया, क्लोव हो गया, तो ये सब ड्रग्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो मेडिसिनल वगैरह होता है बॉडी के इनसाइड में जाकर के इसका क्वांटिफिकेशन के रूप में काम करता है। तो आगे अगला पॉइंट आता है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी किसके अंतर्गत अध्ययन है, इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो इंटरनल रिलेशनशिप ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट संबंधित जीवों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट है इथियोलॉजी, इथियोलॉजी में हम लोग कॉजेटिव एजेंट के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इथियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ कॉजेटिव एजेंट एंड ट्रीटिंग ऑफ ड्रग, यानी इसका अध्ययन इथियोलॉजी का। अगला पॉइंट आता है इवोल्यूशन, जो कि क्लास 10th में चैप्टर भी दिया गया होगा इवोल्यूशन पे, यानी वर्जिन ऑफ लाइफ, क्लास 10th और 12th दोनों में दिया गया कि वर्जिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था, तो यानी जीवन की उत्पत्ति इवोल्यूशन के अंतर्गत आता है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है हम लोग से कि विज्ञान की किस शाखा में वर्जिन ऑफ लाइफ यानी जीवन की उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं, तो इवोल्यूशन। अगला है एंटेमोलॉजी, तो एंटेमोलॉजी में इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े के अध्ययन को एंटेमोलॉजी बोलते हैं। अगला है फिशरी यानी मछलियों से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा फिशरी से संबंधित किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो इसमें विज्ञान की शाखा में कैचिंग, ब्रीडिंग, रियरिंग और इसको यानी पकड़ने के बाद जब पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है मार्केटिंग कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग फिशरी बोलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन हम बताते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखने का प्रयास कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार भी कीजिए, जिसे क्वेश्चन नीट वगैरह में भी यहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, कई सारे करीब 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। चलिए आगे अगला आता है ऑर्निथोलॉजी, ORNITHO, ऑर्निथोलॉजी
यानी विज्ञान की किस शाखा में बर्ड्स का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ बर्ड, BIRDS, यानी पक्षियों के अध्ययन को अर्निथोलॉजी कहा जाता है। और अगला पॉइंट आता है नेफ्रोलॉजी, NEPHROLOGY, विज्ञान की किस शाखा में किडनी का अध्ययन किया जाता है, यानी किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ किडनी, KIDNEY, किडनी। अगला पॉइंट आता है यानी नेफ्रोलॉजी के बाद में ऑप्थैल्मोलॉजी, OPTHALMO, ऑप्थैल्मोलॉजी। ऑप्थैल्मोलॉजी में हम स्टडी ऑफ आई, यानी आंख का अध्ययन ऑप्थैल्मोलॉजी करता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद में आता है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो MICRO BIOLOGY, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस है, यानी माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। तो माइक्रो में हम लोग सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत यानी ऐसा कह सकते हैं, दोनों में इतने डिफरेंस है कि जिसे हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं वो माइक्रो, और जिसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है उसे माइक्रो कहते हैं। फिर से चक्कर, माइक्रो यानी जिसे अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे कहते हैं माइक्रो, और मैक्रो जिसे हम नंगी आंखों से या नग्न आंखों से देख सकते हैं उसे हम लोग मैक्रो बोलते हैं। तो है क्या माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, MICRO, Organism, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अगला पॉइंट आता है मेडिसिन, स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीज TREATING, स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीज ऑफ ड्रग, डिजीज DISEASE, ट्रीटिंग डिजीज ऑफ ड्रग्स, यानी इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मेडिसिन। कभी कभी इसी में वर्ड्स आता है, लोग पूछते हैं फार्मेसी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो यानी फार्मेसी, PHARMACY, फार्मेसी में किसका अध्ययन करते हैं, यह भी विज्ञान की एक ब्रांच ही है। तो इसके अंतर्गत यानी कहीं भी फार्मा शब्द आता है तो फार्मा का मीन्स होता है ड्रग्स, यानी फार्मा का मीन्स होता है ड्रग्स। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि फार्मेसी क्या है या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फार्मेसी, आप इसे क्या समझते हैं, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं। देखिए, फार्मेसी द ब्रांच ऑफ साइंस, एक डिफिनेशन की भांति इसको लिख सकते हैं कि फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, SCIENCE, फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals, DEALS, deals means होता है देना, which deals with study of compounding, dispensing and treating agent are called pharmacy
मेसी MACY। अब इसमें दो चीज है, एक कंपाउंडिंग है, एक किसी वर्ड में आता है प्रिपेयरिंग, भी शब्द आता है PREAP, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग वर्ड आता है। तो इसको मैं चक्कर फिर से देखते हैं। फार्मेसी शब्द में यानी फार्मेसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं भैषजिक विज्ञान, इसको कहा जाता है भैषजिक विज्ञान। अब इसके अंतर्गत किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो चलिए देखिए इसको। हमने कहा ये भी एक यानी विज्ञान की शाखा ही है, तो लिख भी दिया गया कि फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंडिंग, प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग एंड ट्रीटिंग ऑफ डिजीज या ट्रीटिंग एजेंट इज कॉल्ड फार्मेसी। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कंपाउंडिंग करना, दवा बनाना। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है किसी दवा को बनाने के बाद उसका लेबलिंग करना, उसका कैलकुलेट करना। डिस्पेंसिंग के अंतर्गत